हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एशिया कप 2023 शुरू होने वाला है आज से, तो जल्दी से इसका शेड्यूल देख लेते हैं। तो पहले दो ग्रुप देख लेते हैं। ग्रुप ए में इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान है, और ग्रुप बी में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका है। पहला मैच यानी आज 30 अगस्त पाकिस्तान और नेपाल के बीच में खेला जाएगा 3 PM से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम पर, जो कि पाकिस्तान का पंजाब में है। दूसरा मैच कल यानी 31 अगस्त बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच 3 PM से खेला जाएगा पल्ली के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर, जो कि श्रीलंका के कैंडी में है। ग्रुप स्टेज का थर्ड मैच 2 सितंबर पाकिस्तान और इंडिया के बीच 3 PM से खेला जाएगा, जो होगा आर प्रमादास स्टेडियम पर, जो स्टेडियम श्रीलंका के कोलंबो में है। ग्रुप स्टेज का फोर्थ मैच 3 सितंबर बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा 3 PM से, जो कि होगा गद्दाफी स्टेडियम, जो पाकिस्तान के लाहौर में है। ग्रुप स्टेज का फिफ्थ मैच 4 सितंबर इंडिया और नेपाल के बीच खेला जाएगा 3 PM से। फिर से मैच पल्ली के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा, जो कि श्रीलंका के कैंडी में है। ग्रुप स्टेज का लास्ट मैच यानी सिक्स मैच खेला जाएगा 5 सितंबर अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच 3 PM से। ये वाला मैच भी गद्दाफी स्टेडियम पर खेला जाएगा, जो कि पाकिस्तान के लाहौर में है। ग्रुप स्टेज से जो 4 टीम क्वालिफाई करेगा, ग्रुप ए से 2 टीम, ग्रुप बी से 2 टीम, उस 4 टीम के अंदर सुपर फोर खेला जाएगा, जो कि होगा 6 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर, 12 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर 3 PM से। और इस 6 मैच के बाद होगा फाइनल मैच, जो कि होगा आर प्रेमदासा स्टेडियम पर, जो स्टेडियम श्रीलंका के कोलंबो में है। तो देखते हैं गाइस, इंडिया इस बार एशिया कप ले पाते हैं कि नहीं। तो ज़रूर अपना डिसीजन कमेंट में लिख देना। थैंक यू गाइस।